पिलानी कैंपस देखो इतना बड़ा है ना कि हमको 2 साल हो गया, 4 सेमेस्टर हो गया इधर, फिर भी अभी तक कुछ चीज़ें जो है अनएक्सप्लोर्ड थी मेरे लिए, तो उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने आ चुके हैं। आए थे खाने के लिए, चीज़ दिख गई तो थोड़ा ऐसे मन में ऐसे उफान उठा कि भाई पता करा जाए क्या चीज़ आखिर ये जो पीछे दिख रही है आपको, है ना। तो चलो देखते हैं क्या है, पता लगाते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे सनडायल दिखा, तो ये पूरा कैंपस देखता है, यहाँ बस हम आके खाना खाते हैं। आज सोचा इसको थोड़ा एक्सप्लोर करा जाए, तो यहाँ आप देख सकते हो ये सनडायल है, इस पर टाइल बने हुए हैं, दिखा सकते हो आप यहाँ कैमरा अगर, तो 1 2 3 ऐसे करके लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये है ना कि एक पार्टीशन भी जो बना हुआ है, तो जो दोपहर होती है ना 12 बज जाती है, तो फिर इधर टाइम शुरू हो जाता है क्योंकि सूरज उधर से आ रहा होता है ना, सूरज का डायरेक्शन उधर से होता है। एंड जब सुबह होती है तो सूरज जो हमारा इधर से आ रहा होता है, तो उसमें इस पार्टीशन का जो शेडो है इधर पड़ता है, तो इधर भी डायल 7 8 से लिखा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे घड़ी का टाइम जो है इधर हो रहा है 3:43, ठीक है। अब इसको अगर जैसे देखें हम, तो यहाँ पे 1 2 3 3 के बाद यहाँ पे हाफ है, मतलब 3:30 यहाँ हो गया, ठीक है। तो इस घड़ी के हिसाब से 3:30 है, बट साथ साथ में क्या है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो क्वेश्चन टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ मार्च का महीना चल रहा है और पहला वीक चल रहा है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, उस केस में +12 करना है। तो 3:30 यहाँ पे थोड़ा सा आगे है, तो 3:31 मान सकते हो यहाँ पे, +12 करा अगर हमने तो 3:43 हो गया। तो देख सकते हो यहाँ पे 3:44 भी हो गया, थोड़ा सा एक्यूरेसी का इधर दिक्कत आ रहा है, बट ऑलमोस्ट सही चीज़ है। और ये जो चीज़ है स्थित है बिरला म्यूजियम जो है इधर, आप देख सकते हो ये जो बगल में सोलर लगा हुआ है ऊपर, ये बिरला म्यूजियम है और यहाँ स्काई लॉन्स है। इधर ही हमारा ऑफिशियल स्नैप्स होता है, जो भी बैच स्नैप्स या फिर जो भी क्लब वगैरह के स्नैप्स होते हैं यही होते हैं। मतलब हमने ऐसे मन करा हमको कि बस सनडायल का वीडियो बनाने के लिए, फिर लगा कि यार थोड़ी मोड़ी जो चीज़ें हैं उनको भी दिखाई देते हैं, इस चक्कर में थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो आप बाकी चीज़ें भी देख लो यार स्काई लॉन्स कैसा होता है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे भैया ऐसे घास वास क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ पे स्नैप्स हो सके, ऐसे ये स्नैप होने वाला ना भैया इसलिए, हाँ जी, तो इसीलिए पूरा क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको सीढ़ी दिख रही ना, उधर बेंच वेंच लग जाते हैं, लोग बैठते हैं, उधर कैमरामैन फोटो खींचता है, जिसे कहते हैं ऑफिशियल स्नैप्स। और ये जो बिल्डिंग है ये GD बिरला मेमोरियल है, और इधर रेड वॉल दिख रहा होगा, है ना, आप बिट्स में आओगे अगर, या फिर बिट्सियंस को अगर किसी को आप फॉलो करते हो पिलानी कैंपस से, तो लाइक ऑलमोस्ट हर के इंस्टा पोस्ट में ना एक फ़ोटो पक्का होगी जिधर ये रेड वॉल बैकग्राउंड में होगा, ठीक है। उसके बाद इधर तो यार मैं पहली बार आ रहा हूँ, इधर डैम डूम बना रखा है कुछ, तो उधर सनडायल था जो कि आपने वीडियो में देखा होगा या फिर आगे देखोगे, और उधर आप क्लॉक टावर देख सकते हो छोटा सा, वो क्लॉक टावर है, हर तरफ घड़ी दिखा रहा है, टाइम से दिखा रहा है क्या भाई वो भाई कभी सही नहीं टाइम दिखाता भाई। इधर आप देख सकते हो ऐसे छोटा सा डैम ही बना रखा है भाई, डैम, ये क्या है, सेंचुरीज प्रोग्रेस गैलरी, कोई तो गैलरी है। अच्छा ये बिरला म्यूजियम का ही पार्ट है क्या भाई ये, देख सकते हो यार नदी सी बना रखी है, और यहाँ पे ये जो आप देख सकते हो ना ये कर्व एरिया, ये डैम से है अंदर से वो होल निकले हुए हैं जिससे पानी नीचे जाता है। ये पानी आ कहाँ से रहा वो देखते हैं अगर, तो यहाँ से पानी आ रहा है, मतलब भाई कुल मिला के यहीं का पानी यहीं घुस रहा है वापस, ये कुछ तो मूर्ति बन रही है भाई, ये क्या बन रहा भैया, फौजी, ये लगेगा कहाँ पे, इको पार्क में, बढ़िया। देखो यहाँ पे दोस्तों भैया फौजी बना रहे हैं ताकि इको पार्क में लग सके, इको पार्क में आए भाई, इको पार्क BET में, अच्छा BET में, BET के लिए बन रहा है यहाँ पे भैया। ये अंदर जा सकते क्या, इसके अंदर क्या खुलता है ये, अच्छा ऑफिशियल, अच्छा ऑफिशियल, अच्छा यहाँ से ऑफिशियल है, यहाँ कोई जा नहीं सकता। ये घर वर किसका है, ये अच्छा सा सजाया हुआ बनाया हुआ है, जो ये काम हो रहा है, अच्छा मिट्टी का हुआ ना, हाँ ये फाइव का वहाँ से है, अच्छा मतलब कोई भी डेकोरेशन कहीं भी लग रहा है तो यही बनता है, फिर यही लग जाता है, अच्छा सही चीज़ है यार, अपने आप में एक शहर है भाई पिलानी, पिलानी के अंदर बिट्स पिलानी, समझ सकते हो लॉन्स है ना जहाँ पे लोग बैठ के खाना वाना खाते हैं, उधर काउंटर है जहाँ पे आप कुछ भी फूड ऑर्डर करते हो वो आपको कहीं भी बैठे रहोगे ना आप वहाँ तक पहुँचा देते हैं, बहुत अच्छे प्यारे लोग हैं। देख रहे हो आप ये डैम का स्ट्रक्चर, यहाँ कहीं बिजली ना बनाते हो भाई पिलानी वाले, कुछ भी कर सकते हैं ये। एक तो ये डैम है, पानी गिरता उधर से यहाँ पे,
फिर ये नदी सी बना रखी है उधर तक जाता है जो, बट पानी की क्योंकि कमी है तो आप साफ देख सकते हो, एक्स्ट्रा पानी कहीं से भी हो रहा है देख सकते हो उस होल से जो है इस पाइप के थ्रू इधर नदी के अंदर कुछ जाते हैं सारे पानी, मोटर वोटर लगा हुआ है। ये सीन है यहाँ पे, देखो मशरूम बना रखा है इनने, एक तो बीच में एक ब्रिज बना रखा है, इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए निकलते हैं। और ये बिल्डिंग आपको पता ही होगा, जैसे मैंने पहले बताया था बिरला म्यूजियम है, वैसा माना जाता है इसके अंदर कि जो भी प्लेसमेंट होने से पहले चला जाता है ना उसकी प्लेसमेंट नहीं लगती, ऐसा कुछ तो ऐसा यहाँ पे अफवाह फैला रखी है लोगों ने, तो क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते इसलिए हम भी इस अफवाह में भरोसा रखते हैं। बट कुछ लोग हैं ऐसे, जैसे मेरा रूममेट है वो पहले ही दिन जा चुका था, बट वो मैथ प्लस ट्रिपल ही है तो उसको सारे शराबों से मुक्त हो चुका है वो। अब शेर का क्लास है अभी, तो शेर और शेर के जो बाकी शेर दोस्त हैं सारे क्लास जाएंगे। आपको वीडियो छोटी सी अच्छी लगी होगी अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी विवश नहा के निकले हैं, जुल्फे लहरा रही हैं, मज़ा आ रहा है। बाय बाय। यहाँ देख सकते हैं हवाई जहाज पार्क है। और ये कौन है भाई, ये आदमी क्या है ये और क्यों है ये?